साइड, ये सामने हमारा जहाज लगा है डेल्टा। तो डेल्टा में खैर से हम जाएंगे यहाँ से अटलांटा जॉर्जिया, और जॉर्जिया से जाएंगे। अभी रेडी है, घंटा रह गया तकरीबन, तो आधे घंटे में तकरीबन बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। ज़्यादा रश नहीं है सुबह की फ़्लाइट पे, अभी बहुत ही कम लोग हैं। ये हमारा गेट है 16, हफ्ज़ा वेट कर रही है, मैं भी वेट कर रहा हूँ। जहाज़ में बैठे कुछ करने को, तो यहाँ खाना वाना तो देते नहीं जहाज़ में, स्नैक देते हैं बोतल या पानी, सोडा या पानी, बस फिल्म देख लो। इंग्लिश फिल्म में वैसे ही शौक से नहीं देखता, इस दफ़ा एक देखी थी खैर, लेकिन ओके थी, अब देखेंगे जाते हुए। चलें फिर आपसे मिलते हैं। एक जहाज़ जा रहा है टेक ऑफ पे, और ये इस वाले जहाज़ में पेट्रोल भर रहे हैं। जहाज़ में पेट्रोल जो होता है वो विंग्स के अंदर होता है, मेरा ख्याल तो यही है, अगर किसी को पता हो सही तो होता है, मेरा ख्याल तो ये, और ये पेट्रोल ही भर रहे हैं। ये है जी दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट, अटलांटा जॉर्जिया। और ये है फूड कोर्ट टर्मिनल बी का। हर जगह फ्लाइट जा रही है, ह्यूस्टन टेक्सास, यहाँ की वेस्ट, ये राइट साइड पे न्यूयॉर्क, फिर यहाँ पे पेंसेकोला, फिर उसके अभी ये B-22 पहुँचे हैं, B-36 पे जाना है कंकून। आइलैंड कोराडो सी फूड रेस्टोरेंट, सी फूड का चल रही है इनकी, और बहुत ही खूबसूरत जगह, आप देखें एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, एम्बियंस, फाइव स्टार होटल है।
और चार किस्म के डिफरेंट कुजीन है यहाँ पे। इतना खूबसूरत व्यू है, स्पेशली ये जो ब्लू पूल है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और रात का जो समय है वो तो चार चांद लगा रहे हैं हर चीज़ को। वाह, और ये हटलुमा जो चीज़ें हैं, ये रेस्टोरेंट का स्टाइल, ये यहाँ पे बहुत कॉमन है। म्यूज़िक है, लाइव म्यूज़िक है, लाइव शो इस टाइम हो रहा है। देखते हैं आज क्या इसमें स्पेशल करो, कौन कौन सी चीज़ ऑर्डर करो। गज़ीबो स्टाइल है, बहुत ही मज़े का व्यू है। ये देखिए ओशन है, पाम ट्री सामने, सारा पानी भाई। ये चीज केक आया है उसके ऊपर ही आग जला के ऐसे डालेंगे। ये उसी रेस्टोरेंट का दूसरा हिस्सा है, यहाँ ज़रा लाइट ज़्यादा है, हमारा ज़रा वो कैंडल लाइट वाला था, यहाँ लाइट ज़्यादा है तो आपको मोबाइल नहीं जलाना पड़ेगा लाइट मेन्यू देखने के लिए। क्लोज से नहीं, और क्लोज व्हाट टाइम ओपन फॉर लंच मनियाना? लंच आर एज यस डीएस यस आर 5 ऑफ द टाइम डीएस 5 वाला था। थैंक यू बड़ी। और ये देखें भाई इस टाइम स्विमिंग पूल का व्यू देखें। वाटर शो भी रात को हुआ है, हेड वॉश शो, लेकिन ये हमने मिस कर दिया। सही हमारा होता है ये लग रहा है। तो अभी आप देखें कैसा मजे की जगह। और सुबह हम लोग जा रहे हैं जेट स्की के लिए, तो सुबह हमने जाके करनी है जेट स्की, और एक और चीज़ करनी है बाद में बताएंगे जब कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे या दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस कमरे की तरफ क्योंकि रात के ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, फिर हम चलते हैं। तो ये लास्ट है, ये देख अभी तो ये क्लोज है, मैं दिखा दूँ। ये सामने नेट लगा हुआ है, यहाँ पे जो है वो जिस तरह बीच वॉलीबॉल होती है ना, या जो भी बोलते हैं भाई पूल में या वाटर बॉल, इधर एक टीम इधर एक टीम, वो ऊपर से फेंकती है और वो सारा खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन होता है इस तरह वॉलीबॉल खेलते हैं यहाँ पर। ये जो बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग है इसमें 4th फ्लोर के ऊपर हमारा कमरा है, यहाँ रुके हुए। अभी आप लोग कह रहे होंगे बार बार पूल आ जाता है स्विमिंग पूल, अब क्या करूँ, हर तरफ है ही इधर पानी ही पानी। टोटल 4 पूल हैं इस मतलब इस होटल में पूरे में। यहाँ पे स्पा है, अब मैं इसमें एडिशनल चार्जेस है। तो ये यहाँ पे इनका रिसेप्शन है, पता नहीं किस चीज़ का क्या है, मैं तो इधर आया नहीं इस साइड। आई थिंक ये जेम स्पा है, ये स्पा है जो सुबह 10 बजे खुलता है, 8 बजे देखते हैं अभी यहाँ कुछ है तो, ये इसकी शायद एंट्रेंस है, तो ये बाद में आके चेक करेंगे। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह लग रही है, ऐसे कलर्स चेंज हो रहे हैं और कोई इधर कुछ नहीं है, ज़बरदस्त। और ये ऊपर से व्यू है नीचे लॉबी का, जहाँ अभी हम थे वो सामने रेस्टोरेंट था जहाँ पे वो लाइव डीजे बैंड बनाया, बंद म्यूजिक बजा रहा था। ये खड़े हैं सामने जेट स्की वाले या वाटर स्कूटर बोल लो, अब जा रहे हैं अल्लाह ही मालिक है। आज मैं तो शायद ना ही बैठूंगा, मुझे तो डर लगता है, लेकिन अभी देखते हैं चल के।
लिए। अच्छा भाई हफ्जा, अभी हम बताओ कौन से रेस्टोरेंट में आए? ये भी हमारे होटल में ही है ना? हाँ, इसका नाम ये वर्ल्ड क्यूजीन है। खाता हूँ यार, ये वीडियो में नज़र नहीं आ रहा ट्री सही, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। ये पम्पकिन सॉस है, ये पिको डी गायो है, ये साथ मक्खन है, ये इसकी ब्रेड है, एक चिपोटले ब्रेड है, बाकी रेगुलर, और ये चिप्स, बाकी ये सारा रेस्टोरेंट है। ये था वो ट्री, वो सामने जो एक और नज़र आ रहा है। शुरू करें? हाँ, देखते हैं। ये जी इमली का ड्रिंक है, अब इसको पी के देखते हैं। उस कमाल की पता क्या बात है। ओ हो हो भाई कमाल करो। लेकिन ये हमने मंगाया टूना के टाको, ये टूना मछली है ना, इसका रंग ऐसा होता है, इन्होंने कुछ फ्राई की है ब्लैक मोल सॉस में, तो ये है टूना के टाको। और ये वेजिटेबल कैसा दिया, ये है वेजिटेबल कैसा दिया, ये स्पाइसी सॉस है। ये वो कह रहे हैं हबनेरो सॉस है, बहुत स्पाइसी होती है, जरा देख के खाना। भाई यहाँ पे शोर बहुत है, आवाज नहीं आ रही। ये है सैल्मन फिश, साथ ग्रीन सॉस और पम्पकिन सीड, और ये है दूसरी, ये कौन सी फिश है पता नहीं आपने, ये कैच ऑफ द डे है शायद। भाई मछली बहुत ज़बरदस्त है, मैं खा रहा हूँ उसे, उसके ऊपर कुछ पत्ते वत्ते थे वो मैं नहीं खा सकता, वो मैंने साइड पे निकाल दी। बाकी ओवरऑल मछली का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है यार, लव इट। भाई ये डेजर्ट है, ये जो कल हमने बनाया था, लाइट की वजह से सही नज़र नहीं, अभी ना टेबल पे बनाया ये, इसके अंदर आग लगाते हैं डेजर्ट में, उससे थोड़ा गर्म होता है और फिर खाते हैं। और ये है त्रेस लेचेस केक, अब यहाँ शोर ही इतना ज़्यादा है तो समझ नहीं आ रही। चलो अब यहाँ की कैसी है, गुआवा अच्छा टेस्ट है। अब हम जा रहे हैं वापसी पे, आते हुए तो हमने बनाई नहीं थी, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, अब जाते हैं बना रहे हैं। तो ये कैनकून का एयरपोर्ट है मेक्सिको का, तो अभी हम लोग हैं गेट 16 पे, तो वहाँ से जाएंगे। हफ्ज़ा का तो दिल नहीं भर रहा, इसको तो मौसम और वो बहुत पसंद आया यार। चलो फिर आपसे अमेरिका जाके मिलते हैं।